हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज 27 सितंबर 2021 बात करेंगे ऑटो सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स के ऊपर। फिलहाल आज की डेट पे तो हर एक ऑटो सेक्टर के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिला था, बट टाटा मोटर्स के अंदर स्पेशली एक दो नहीं बल्कि तीन बड़े बड़े न्यूज़ है। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो में हम चेक कर लेते हैं क्या न्यूज़ है। उसके साथ साथ आज के दिन पर ये तेज़ी के बाद टाटा मोटर्स के अंदर क्या आपका स्ट्रैटेजी हो सकता है, क्या फ्रेश पोजिशन बनाना सही रहेगा, शेयर है तो होल्ड कर या सेल करके निकल जाए, हर एक डिटेल में बताएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, आज 27 सितंबर 2021 बात करेंगे इस वीडियो पे ऑटो सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स के ऊपर। दोस्तों, आज मार्केट बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे आईटी सेक्टर मार्केट को नीचे की तरफ खींच रहा था, वही दूसरी तरफ में रिलायंस बैंकिंग सेक्टर एंड ऑटो सेक्टर ने ऊपर की तरफ पुश कर रहा था। तो ये सब के चलते आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट में क्लोजिंग दे दिया। तो फिलहाल आज ऑटो सेक्टर सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो सकता है, चाहे टीवीएस मोटर हो सकता है, चाहे बजाज ऑटो हो सकता है, चाहे कोई भी, ऑटो सेक्टर के अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। तो फिर यहाँ पे हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के ऊपर, जहाँ पे हम आज की डेट पे लगभग 4 से 4.5% के ऊपर तेज़ी एंड उसके साथ साथ 330 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। दोस्तों, आपको याद होगा फ्राइडे के दिन मैं आपको एक न्यूज़ दिया था कि टाटा मोटर्स की तरफ से ये न्यूज़ आया है। ये देखिए, 3 दिन पहले का ये न्यूज़ है। मैं आपको कल भी ये इसके ऊपर कवर किया था लास्ट में, अब याद होगा आपको कि टाटा मोटर्स के शेयर आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, कि टाटा मोटर्स ने टोटल 10,000 यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी कस्टमर्स को सेल कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट आप बोल सकते हो। और इससे हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड दोस्तों इंडिया के में काफ़ी सॉलिड देखने को मिला। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उसके साथ साथ नाम जुड़ जाता है टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स जिस रफ्तार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं इंडिया के अंदर, वो काबिले तारीफ है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे हम रीज़न देखते हैं। सबसे पहला रीज़न तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद शेयर के अंदर तो ऑब्वियसली तेज़ी तो आएगा ही। और उसके साथ साथ दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट ईयर पे ठीक सितंबर की क्वार्टर में राकेश झुनझुनवाला, जिसको इंडिया का वॉरेन बफेट बोला जाता है, तो राकेश झुनझुनवाला ने इस महीने पे यानी सितंबर के महीने पे टोटल 170 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स के अंदर। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल में न्यूज़ को देखेंगे। सबसे पहले देखिए, इस सितंबर पे जब टाटा मोटर्स ने वो सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज की वजह से शेयर में गिरावट आया था, तब शेयर लगभग 287 या उसके भी नीचे आ गया था, लगभग 280। उस टाइम पे आपको याद होगा, आप अगर इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको मैं खरीदने का राय दिया था, साथ में टाटा पावर, टाटा मोटर्स दोनों ही शेयर को मैं आपको खरीदने का राय दिया था। इवन जब शेयर 300 रुपये का लेवल क्रॉस करके ऊपर आया था एंड 310-315 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तभी मैं आपको बताया था कि 300 रुपये के आसपास मिल जाए तो उठा लेना। उसके बाद जब लास्ट ट्रेडिंग वीक पे याद होगा आपको मंडे पे मार्केट क्रैश हुआ था, तो शेयर लगभग 298-295 तक शेयर आ भी गया था। तो बेसिकली देखिए, बिग बुल के पास आज की डेट पे अगर बात करें तो देखिए टोटल 1,084 करोड़ का शेयर था पहले, ठीक है, इतना अमाउंट का। और टोटल अगर हम क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो लगभग 3,77,50,000 क्वांटिटी का शेयर था, ठीक है। उसके बाद आज की डेट पे जो बिग बुल के पास, मतलब राकेश झुनझुनवाला जी के पास जो टाटा मोटर्स के शेयर का वैल्यूएशन हो चुका है लगभग 1,254 करोड़ का, यानी काफ़ी अच्छा खासा कम यहाँ पे जो राकेश झुनझुनवाला जी ने सिर्फ और सिर्फ ये सेप्टेम्बर की ये महीना पे प्रॉफिट कमाया है। उसके साथ साथ दोस्तों, मार्केट का जो बड़े बड़े एनालिस्ट है, ठीक है, जो ब्रोकरेज कंपनीज है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हमें बुलिश देखने को मिल रहा है, बाइंग का रिकमेंडेशन भी दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे एडेलविच एक बहुत बड़ा कंपनी से जो कि जिसका शेयर मार्केट पे ट्रेड भी होता है, तो एडेलविच की तरफ से भी देखिए यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन आया था। इसके पहले जो टारगेट प्राइस दिया था 353 रुपये, मतलब जहाँ पे टाटा मोटर्स कुछ महीने पहले जब वो नेगेटिव न्यूज़ जो चिप शॉर्टेज का न्यूज़ बाहर आने के पहले इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा था, वही लेवल यहाँ पे टारगेट दिया। सिर्फ और सिर्फ टारगेट नहीं दिया, उसके पीछे रीज़न भी लिखा है। अब ध्यान से अगर देखोगे दोस्तों, वी रिमेन पॉजिटिव ऑन JLR, मतलब जैगुआर एंड लैंड रोवर, जो कि टाटा मोटर्स का ही एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। अपकमिंग प्रोडक्ट पाइपलाइन विच इज़ इम्प्रूव द मिक्स एंड फेवर, तो यहाँ पे जो एनालिस्ट है जो जैगुआर एंड लैंड रोवर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे बिहेव कर रहा है। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली RR, मतलब जो कि
लैंड रोवर की यहाँ पे बात किया जा रहा है, लैंड रोवर के ऊपर रेंज रोवर भी बोले जाते हैं, तो रेंज रोवर के ऊपर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश दिखा रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, देखिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के ऊपर भी यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन आया है टाटा मोटर्स के ऊपर। स्पेशली यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हाईलाइट किया है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। उसके साथ साथ जो जेगुआर एंड लैंड रोवर उसके ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा सा फोकस किया, हाईलाइट किया। और अपकमिंग दोस्तों, अभी तो सितंबर का महीना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अक्टूबर के महीने पे हर एक कंपनीज का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये यहाँ पे आशा कर रहा है कि इस बार कंपनी का रिजल्ट बहुत ही सॉलिड आएगा, क्योंकि कंपनी ने बैलेंस शीट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और देखिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ एंड जेफरीज़ की तरफ से जो टारगेट आया है लगभग 435 रुपये का, मतलब आज की डेट में आप समझ सकते हो कि शेयर कहाँ पे चल रहा है, और 435 का टारगेट, मतलब काफ़ी अच्छा खासा इनकरेजिंग टारगेट दिया। तो ये सब की न्यूज़ को चलते दोस्तों आज शेयर के अंदर हमें भारी भरकम विस्फोट देखने को मिला, और ऐसा होगा ये मैं आपको बहुत पहले ही बता दिया था, याद होगा आपको अगर इस चैनल को आप रेगुलर फॉलो करते हो। तो ये तो चलिए हो गया न्यूज़ का सिलसिला, अभी हम बात करेंगे आपका क्या स्ट्रेटजी होगा शेयर के अंदर। क्या आपको अभी फ्रेश पोजिशन बनाना चाहिए, या थोड़ी वेट करना चाहिए, या आपके पास शेयर हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। तो ये बेसिकली आपके सामने ओपन है टाटा मोटर्स की 3 महीने का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ध्यान से सुनना हर एक पॉइंट को और ऑब्जर्व करना। सबसे पहले लगातार लास्ट कुछ दिनों से हमें तेज़ी देखने को मिला, और वो तेज़ी के बाद शेयर का जो RSI इंडेक्स वो लगभग 70 तो क्रॉस नहीं किया, 70 के ठीक एकदम बॉर्डर लाइन पर खड़ा है, मतलब जो ओवरबॉट जोन है उसके एकदम बॉर्डर पे खड़ा है 69.16। और एक दो दिन अगर इसके अंदर तेज़ी आ गया तो मतलब शेयर ओवरबॉट जोन पे चला जाएगा। तो कोई भी शेयर दोस्तों हमेशा के लिए ऐसे ओवरबॉट जोन पे नहीं रह सकता, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। उसके पीछे रीज़न भी आपने फुल प्रूफ यहाँ पे प्रैक्टिकल भी देख लिया, इसके पहले जितने भी वीडियो सारे शेयर दोस्तों, कोई भी शेयर अगर ओवरबॉट जोन पे रहता है तो वो हल्का हल्का गिरावट हमें देखने को मिलता है, फिर से स्ट्रॉन्ग जोन या तो न्यूट्रल जोन पे आ जाता है। तो टाटा मोटर्स का शेयर दोस्तों लास्ट कुछ टाइम से देखिए, जब जुलाई की एकदम फर्स्ट वीक पे 350-360 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जिस दिन ये खराब एकदम मतलब नेगेटिव न्यूज़ आया था चिप शॉर्टेज का, शेयर प्राइस एकदम गिरते गिरते देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, लगभग 275 रुपये तक पहुँच गया था उस टाइम पे। बाद देखिए शेयर में धीरे धीरे रिकवरी, ठीक यहाँ पे 325-30 पे, इसके पहले भी एक बार यहाँ पे देखिए ठीक 320-15 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर हल्का नीचे 300 रुपये पे सपोर्ट मिल गया, एंड फिर से हमें बाउंस बैक करता हुआ नजर आया। तो सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें आज की रेट पे, तो टाटा मोटर्स के लिए जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वह है 320। पहले मैं आपको टारगेट दिया था खरीदने का 380, जो कि इस टाइम पे आया भी था, खरीदना है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको टारगेट दिया था 300 रुपये का, जो कि लास्ट टाइम जब गिरावट आया था तो 300 रुपये पे आया भी था, याद होगा आपको लास्ट अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे, लास्ट ट्रेडिंग वीक पे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे के दिन जब मार्केट हल्का डाउन चल रहा था। और इस बार दोस्तों मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ टाटा मोटर्स के अंदर अगर आपको निवेश करना है तो 320 के आसपास, चाहे वो 323 हो सकता है, 324 हो सकता है, इसी रेंज के आसपास अगर आपको शेयर मिले तो 315, 320, 325 इसी रेंज के आसपास आप शेयर को पिक करते रहना, लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू को रख के। मैं हमेशा बोलता हूँ लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू को रखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में दोस्तों ऐसे छोटे मोटे एक दो महीने के लिए करेक्शन वगैरह कंसोलिडेशन फेज ये चलता रहता है, ठीक है, बट अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम 5 से 10 साल होल्डिंग का है तो उस केस में आपको ज़बरदस्त यहाँ पे मुनाफा मिल जाएगा। ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 350 रुपये का, तो ये रेजिस्टेंस एक बार क्रॉस कर गया, जो कि एक बार पहले क्रॉस कर भी गया था, बट अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव न्यूज़ के कारण शेयर में गिरावट आया था। तो एक बार ये जो लेवल्स है रेजिस्टेंस का ये क्रॉस कर जाने के बाद आराम से शेयर ऊपर की तरफ भागेगा 400 रुपये के लेवल के लिए। तो अभी देखना यह है कि 330 के आसपास जो सपोर्ट लेवल मैं आपको बोल रहा हूँ, 320 के आसपास वहाँ पे सपोर्ट मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो उसी लेवल का अगर आपको शेयर मिलता है तो धीरे धीरे उठाइए, और शेयर देखना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, धीरे धीरे ये शेयर ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। क्योंकि आज की डेट पर अगर बात करें दोस्तों कंपनी का वॉल्यूम भी जैसे शेयर के अंदर हमें ट्रेडिंग हुआ है उसके साथ साथ डिलीवरी भी सॉलिड देखने को मिला। देखिए टाटा मोटर्स के अंदर लगभग 5 करोड़ 10 लाख के ऊपर शेयर ट्रेडिंग हुआ है, ये 3 बजे का अपडेट है, 4 बजे का अपडेट की सबसे और बढ़ जाएगा, जिसके अंदर हमें डिलीवरी का परसेंटेज देखिए 30% के ऊपर हमें देखने को मिला, यानी सॉलिड इसके अंदर हमें डिलीवरी देखने को मिला। तो दोस्तों एट द एंड यही बोलूँगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट के पहले आप खुद को अच्छे से स्टडी करना, उसके बाद ही कोई इन्वेस्ट करना। जो लेवल्स मैंने आपको बताया वो भी आपको दिमाग में होना चाहिए, 320 रुपये का लेवल, इस लेवल पर एकदम बेस्ट बाइंग लेवल है टाटा मोटर्स के शेयर के लिए। वीडियो कहीं भी वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।